अमरीकी करेंसी के आए रोज बुलंदियों के नए रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में डॉलर की डबल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 3.74 रुपए बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 199.50 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। 11 अप्रैल से अब तक डॉलर की कीमत 16.57 रुपए बढ़ी। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 1800 अरब रुपए इजाफा। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने का मिशन। पाकिस्तान और आईएमएफ के दोहा में तकनीकी मुजाकरात। वजीर खजाना सेक्रेटरी खजाना की वीडियो लिंक के जरिए मुजाकरात में शिरकत। मिफ्ता इस्माइल 24 मई को दोहा पहुंचेंगे। आईएमएफ की पेट्रोल बिजली गैस पर सब्सिडी खत्म करने की शर्त। मुजाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। वजारत तजारत FBR की दरामदी अशिया पर ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश। 1000 cc से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी में 100%, टाइलों पर ड्यूटी की शरह 50% बढ़ाने की तजवीज। दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी में 10, घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर ड्यूटी 50% बढ़ाने की सिफारिश। मोबाइल फोन पर ड्यूटी 6000 से बढ़ाकर 44000 रुपए करने की तजवीज। हुकूमत का गैर जरूरी लग्जरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर कीमती जर मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। वजीर आजम की जेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का अजलास। वफाकी अफसरों की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की की मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफद को मुलाकात के लिए बुला लिया। PBA को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। वफद वजीर आजम को तजावीज से आगाह करेगा। मिशन मुश्किलात दूसरे असलात हम शुरू कर रहे हैं मंडे से, और ये मैं समझता हूँ कंप्लीट हो जाएंगे। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ नहीं चला रहा है, रियासत के खिलाफ चला रहा है। ठीक। और जो उसके लब व लहजा है वो किसी और तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान को इन हालात में डालने चाहता है। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात अगले हफ्ते कौमी असेंबली में लाने का फैसला। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। अक्टूबर नवंबर तक इंतखाबात मुमकिन नहीं। इमरान खान हुकूमत नहीं रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ये अदारों से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए 1.5 साल के लिए। ये भीख मांग रहे हैं जो कह रहे थे वोट को इज्जत दे, इन्होंने वोट का रेट जो है 25 करोड़ रुपया लगाया। सारी की सारी अपोजिशन एक वोट पे जिंदा है, और उस वोट में MQM क्या फैसला करता है, बात क्या करती है, दूसरी पार्टी करती है। मैं पहले कह चुका हूँ कि 31 मई से पहले पहले फैसले आएंगे। निगरान वजीर आजम के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू शुरू हो गए। 31 मई तक फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद का दावा, बोले एक वोट की हुकूमत कायम नहीं रह पाएगी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। इलेक्शन में जितनी देर करेंगे अपनी कब्र खोदेंगे। इत्तेहादी हुकूमत की हंडिया बीच चौराहे फूटेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा अमरीका। अमरीकी हमनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अक्वामे मुताहदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के वजारती इजलास में भी शिरकत करेंगे। मुजरिमों के टोले ने मेरी टीम के किए गए सारे अजीम काम पर पानी फेर दिया। PTI हुकूमत को हटाए जाने के वक्त हम 6% मुआशी शरह नमू के हुसूल के करीब थे। इमरान खान का ट्वीट, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से चार्ट शीट शेयर कर दी। इमरान खान का एक बार फिर अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद इमरान खान सरगरम। पार्टी रहनुमाओं को मुशावरत के लिए आज जमान पार्क बुला लिया। मुनहरिफ अरकान के बारे में अदालती राय के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सप्तैन खान, मुराद रास, असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, शफकत महमूद शरीक होंगे। हमने जो कार्ड मजदूर कार्ड के लिए चूज किया वो स्मार्ट कार्ड है। वो तमाम सिक्योरिटी फीचर्स जो किसी भी
पाकिस्तानी को जारी होने वाले स्मार्ट कार्ड के अंदर हैं, वो सब के सब इस लेबर मजदूर कार्ड के अंदर मौजूद हैं। आगे चलकर यही मजदूर कार्ड जो है जिसको मिलेगा ये उसके लिए एटीएम कार्ड भी होगा और इसी की बुनियाद पर वो तमाम सहूलतें बेनिफिट फैसिलिटीज जो किसी मजदूर को मिलती हैं वो इनको इस कार्ड की बुनियाद पर मिलेंगी। सिंध हुकूमत का लेबर स्मार्ट कार्ड के इजरा का ऐलान, सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं सोशल सिक्योरिटी के फवायद सूबे के तमाम मजदूरों को देंगे। कार्ड्स बनाने के लिए मोबाइल वैन्स को सनती यूनिट्स में भेजा जाएगा। हफ्ता रितवार को भी कार्ड्स बनेंगे। गलत कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में बिजली का बदतरीन बहरान, बिजली की मांग 3000 मेगावाट हो गई। शहर को 2250 मेगावाट बिजली की फराहमी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे की लूट शेडिंग। सिंध में तालीमी बोर्ड इंतजामिया बूटी माफिया के सामने बेबस। कराची में 10वीं क्लास का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा आउट, व्हाट्सएप ग्रुपों में दस्तयाब। शहीद बेनजीराबाद में भी पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। इम्तिहानी मराकज में तलबा मोबाइल फोन के जरिए पर्चा हल करने लगे। लाड़काना में भी उर्दू का पर्चा व्हाट्सएप पर दस्तयाब। इम्तिहानी मराकज में बिजली की लोड शेडिंग से उम्मीदवार परेशान। सिटी न्यूज नेटवर्क के 130 रुकनी वफ्द की अदायगी उमरा के बाद पाकिस्तान वापसी। उमरा की सआदत हासिल करने वालों पर गुलपाशी। वफ्द में सुहेल बड़ाइच, सलीम बुखारी, मियां ताहिर, नवीद चौधरी, नसीम जहरा, आमिर मीर, जस्टिस रिटायर्ड नजीर अहमद गाजी, खुरम कलीम, जहीर अहमद कालू, खुरम शहजाद, कामरान अजीम और दीगर शामिल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी, लाड़काना का पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड। पंजाब के वस्ती और जनूबी अजला में आंधी और तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची में भी शदीद गर्मी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद मार्गिला हिल पर जंगल में आग लगाने का वाकया, टिकटॉकर डोली के 3 साथी गिरफ्तार। प्रोड्यूसर, कैमरामैन, वीडियो एडिटर को पकड़ा गया। डोली की गिरफ्तारी के लिए टीम लाहौर रवाना। इस्लामाबाद में डोली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ T20 वनडे सीरीज के लिए कौमी विमेन टीम का ऐलान। विकेट कीपर और बैटर गुलफिरोजा, लेग स्पिनर तूबा हसन स्क्वाड का हिस्सा। टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ होंगी। पाक श्रीलंका विमेन सीरीज 24 मई से शुरू होगी।